लॉकडाउन 6 दिन का है, छोटा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मन पर इसका असर इस कदर हुआ है कि वो कल से ही दिल्ली छोड़ना शुरू कर चुके हैं। उन्हें डर यह है कि ये लॉकडाउन और आगे ना बढ़ जाए। गुजरात के सूरत से भी मजदूरों का पलायन काफी ज्यादा हद तक हो रहा है, वहां की भावुक तस्वीरें सामने आ रही। के छोटे लॉकडाउन का ऐलान क्या हुआ, मजदूरों के पांव चल पड़े बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की ओर। शाहपुर जाना है क्या लॉकडाउन की वजह से? यहाँ से अब आप लोग जा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, यहाँ का खाएंगे 8 दिन, मतलब हम लोगों का रोज कमाना रोज खाना है। तो लगता नहीं है कि इस समय कोरोना का ज्यादा डर है, इस समय सब बच के रहना चाहिए? सर वो तो बचाने के लिए है ही है, लेकिन खाएंगे क्या? जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो बस मिली है, कल परसों से घूम रहे थे 2 दिन। लॉकडाउन की वजह? लॉकडाउन की वजह से नहीं, दिल्ली में पूरा लॉकडाउन कर रखा है, इधर भी कंपनी वंपनी बंद कर रहे हैं, कहाँ से बंदा खाएगा। तस्वीरें देखिए, घर लौटने की मारामारी ऐसी मची है कि बसों में ठुसे पड़े हैं लोग, बस में सीट नहीं मिल रही तो छत पर बैठ गए। 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा था मजदूर यहीं रहे, लेकिन मजदूरों की बात सुनकर साफ लग रहा है कि वो भविष्य को लेकर अनिश्चित है, सरकार की बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं। 3-4 महीने तक जो गाड़ी वाला भी जा रहा हो, किस्त जमा नहीं करी उसने रहने के लिए, किराया के लिए नहीं था, खाने के लिए कोई पता है? 1 दिन का कहा, 1 महीने के भी कर सकते हैं, 2 महीने के भी कर सकते हैं, कोई पता है क्या? रहने की जुगाड़ नहीं ना, जब ही जा रहे हैं। कल शाम से आज सुबह तक मजदूरों के दिल्ली छोड़ने का सिलसिला जारी है। याद आ रही है पिछले साल की, जब मजदूरों ने पैदल मार्च शुरू कर दिया था। इस बार राहत ये है कि बसें और ट्रेनें चल रही हैं। आनंद विहार और यहाँ से खचाखच भरी बसें लगातार रवानगी उनकी चल रही है, जो एक तरीके से लगातार जो कंसर्न है, जो दिक्कत है वो ये बात है कि किस तरीके से यहाँ से जो लोग लॉकडाउन से प्रभावित हैं वो घर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, सूरत से भी पलायन की भावुक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग ट्रेनों में बैठकर उत्तर भारतीय मजदूर अपने गांव को लौट रहे हैं। सूरत के औद्योगिक इलाके में लाखों की संख्या में यूपी बिहार के मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन लगा कहाँ है अभी? लगने वाला है तो हम लोग क्या खाएंगे, बंद हो जाएगा तो अगले साल लग गया तो हम लोग भूखे मरे, इसलिए हम आगे जा रहे हैं गांव। पिछले साल जब लगा था तब कहाँ थे आप लोग? यही थे। तब यही रह गए थे? नहीं, गांव चले गए थे उस घड़ी। कैसे गए थे उस समय? उस समय ट्रेन से गए थे। अब यहाँ महामारी इतना हो रहा है, आदमी डर लग रहा है, तो जाना ही पड़ेगा। आप जब जाएंगे तो महामारी तो वहाँ भी हो सकती है ना, गांव में वहाँ भी फैल सकती है। गांव में तो भाई कुछ नमक रोटी भी खा कर रह सकते हैं, अगर कंपनी बंद हो जाए तो पैसा 1 रुपया आप दीजिएगा भाई, कंपनी देगा नहीं देगा? पिछले बार भी ये सब देख के इसलिए इस बार हम जा रहे हैं। साल बाद पूरे देश में फिर वही कहानी, फिर वही तस्वीरें दिख रही हैं। मजबूरी, लाचारी, बेबसी एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को शहरों से वापस अपने गाँव की ओर ले जा रही है। 1 साल पहले ही ऐसा पलायन देखने को मिला था, आज फिर वजह वही है, वही डर, उसी लॉकडाउन का खतरा और नौकरियां जाने की फिक्र। जो तस्वीर शाम को नजर आई वही नजारा सवेरे भी था। ट्रेन पकड़ने के लिए बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। महामारी का खौफ कह लीजिए या एक बार फिर लॉकडाउन लगने का डर, एक बार फिर प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। सूरत के इस उधना रेलवे स्टेशन पर ये तमाम सारे मजदूर दानापुर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन रात को 8:30 बजे आएगी, लेकिन दोपहर से ही ये अपने गंतव्य जाने के लिए यहां पहुंच गए हैं। दरअसल शाम को लॉकडाउन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई और माध्यम नहीं है कि आखिर रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के हालात बदतर हुए हैं। पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम अभी नहीं उठाए गए हैं, लेकिन साफ नजर आ रही है प्रवासी मजदूरों के मन की आशंका उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। सूरत से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।